हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं मिक्सिंग एंड एजिटेशन के बारे में। दोस्तों मिक्सिंग एंड एजिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम पढ़ने वाले हैं कि मिक्सिंग और एजिटेशन क्यों यूज़ करते हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं। मिक्सिंग ऑपरेशंस आर एनकाउंटर्ड वाइडली थ्रू आउट प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज होती है, क्या किसके लिए यूज होती है? मिक्सिंग, मिक्स करने के लिए, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए। एज मच इन आवर नॉलेज ऑन मिक्सिंग हैज डेवलप फ्रॉम अ केमिकल इंडस्ट्री मेनी अदर सेक्टर कैरिड आउट मिक्सिंग ऑपरेशंस ऑन लार्ज स्केल। दस मिक्सिंग इज अ सेंट्रल फीचर ऑफ मेनी प्रोसेसेस इन फूड इंडस्ट्री में होती है, फार्मास्यूटिकल में होती है, पेपर, प्लास्टिक, सिरेमिक्स एंड रबर इंडस्ट्रीज में होती है। इन केमिकल इंडस्ट्री मेनी प्रोसेसिंग ऑपरेशंस डिपेंड्स फॉर देयर सक्सेस ऑन द इफेक्टिव एजिटेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स थ्रू ऑब्टेन कंफ्यूज्ड। एजिटेशन एंड मिक्सिंग आर नॉट साइनोनिमस। एजिटेशन रेफर्स टू द इंड्यूस्ड मोशंस ऑफ द मटेरियल इन अ स्पेसिफिक वे, यूजुअली इन अ सर्कुलेटरी पैटर्न इनसाइड सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर। मिक्सिंग, कंटेनर मिक्सिंग हुई इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एंड थ्रो वन अनादर ऑफ टू और मोर इनिशियली सेपरेट फेसेस। फेस को सेपरेट करने के लिए भी होता है। अ सिंगल होमोजेनियस मटेरियल सच एज अ टैंक फुल ऑफ कोल्ड वाटर कैन बी एजिटेटेड बट इट कैन नॉट बी मिक्सड अंटिल सम अदर मटेरियल सच अ क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर और सम पाउडर्ड सॉलिड इज एडेड टू इट। अभी नेसेसिटी ऑफ मिक्सिंग एंड एजिटेशन इन केमिकल इंडस्ट्री, कौन सी जरूरत के लिए अपन यूज करते हैं मिक्सिंग और एजिटेशन केमिकल इंडस्ट्री में, वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। लिक्विड्स आर एजिटेटेड फॉर द नंबर ऑफ पर्पोजेस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेसिंग स्टेप। दिस पर्पज इंक्लूड सस्पेंडिंग सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, फर्स्ट है सस्पेंडिंग सॉलिड पार्टिकल्स देखने के लिए यूज होते हैं, सेकंड होता है ब्लेंडिंग के लिए, ब्लेंडिंग मिसिबल लिक्विड्स एग्जांपल मिथिल अल्कोहल एंड वाटर, ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो मिथिल अल्कोहल रहता है वाटर के साथ ब्लेंड होता है विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ। अभी डिस्पर्शन ऑफ गैस थ्रू अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हाइड्रोजनेशन एंड बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन इन्वॉल्व द कंटेक्टिंग ऑफ गैशियस एंड लिक्विड्स। डिस्पर्शन ऑफ सेकंड लिक्विड इमिसिबल विद द फर्स्ट टू फ्रॉम एन इमर्शन और सस्पेंशन ऑफ फाइन ड्रॉप्स एग्जाम्पल इमुलसिफिकेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोमोटिंग हीट ट्रांसफर बिटवीन द लिक्विड एंड कॉइल और जैकेट। सिक्स है इन ऑपरेशन सच एज क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिड कैटालाइज्ड लिक्विड रिएक्शन इट इज नेसेसरी टू सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन अ रिलेटिवली लो विस्कोसिटी लिक्विड। दिस कैन बी अचीव इन मैकेनिकली एजिटेटेड वेसल्स वेयर द मिक्सर्स इज यूज टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉलिड्स एंड प्रोवाइड कंडीशन सुटेबल फॉर द गुड लिक्विड सॉलिड मास ट्रांसफर एंड द केमिकल रिएक्शन। इफ द एजिटेशन इज स्टॉप्ड द सॉलिड विल सेटल आउट और फ्लो टू द सर्फेस डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस। अभी इंपेलर्स किसके लिए यूज होते हैं? इंपेलर्स एजिटेटर्स आर द डिवाइड इनटू टू क्लासेस। एक्सियल फ्लो इंपेलर, दिस जनरेट्स अ करंट पैरेलल विद द एक्सिस ऑफ द इंपेलर शाफ्ट। और है रेडियल फ्लो इंपेलर, किसके लिए यूज होता है? दिस जनरेट्स करंट इन अ टेंजेंटियल और रेडियल डायरेक्शन। दो टाइप्स के होते हैं इंपेलर, एक्सियल फ्लो इंपेलर्स और रेडियल फ्लो इंपेलर्स। तो देखते हैं अभी इसका क्या है। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द इंपेलर्स आर प्रोपेलर्स। द थ्री मेन टाइप है इंपेलर्स के, कौन से? प्रोपेलर है, पैडल्स है और टर्बाइन्स है। अभी प्रोपेलर्स क्या है? इट इज द एक्सियल फ्लो हाई स्पीड इंपेलर और द लिक्विड एट अ लो विस्कोसिटी स्मॉल प्रोपेलर्स टर्न एट फुल मोटर स्पीड आइदर 1150 और 1050 रिवॉल्यूशन पर मिनट। लार्जर वन टर्न एट 400 टू 800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द फ्लो करंट लीविंग द इंपेलर continue through the liquid in a given direction until deflected by the floor or wall of the vessel. The impeller, the propeller paddles vigorously cut or shear the liquid because of the precedent of the flow current. Impeller agitators are effective in a very large vessels.
revolving impeller traces out helix in the fluid, and if there were no slip between liquid and propeller, one full revolution would move the liquid longitudinally a fixed distance depending on the angle of inclination of the propeller blade. The ratio of the distance of the propeller diameter is known as the pitch. क्या वो बोलते हैं पिच किसको बोलते हैं? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोपेलर डायमीटर, जो प्रोपेलर का डायमीटर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पिच ऑफ द इंपेलर प्रोपेलर. द प्रोपेलर विद पिच इज 1.0 इज सेड टू बी अ स्क्वायर पिच. इज अ डीप टैंक और टू और मोर प्रोपेलर मे बी माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट यूजुअली डायरेक्टिंग द लिक्विड इन द सेम डायरेक्शन. ये है, ये क्या है? ये है प्रोपेलर. प्रोपेलर मीन्स पंखे के जैसा रहता है, जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि कूलर्स में रहता है वैसा ये प्रोपेलर है. थ्री ब्लेड मराइन प्रोपेलर है. आपने कभी कभी शिप्स में भी देखा होगा या फिर शिप्स में वगैरह भी रहता है ये प्रोपेलर. अभी पैडल्स क्या होता है? पैडल्स फॉर द सिंपलर प्रॉब्लम्स और इफेक्टिव एजिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट पैडल टर्बाइन और द वर्टिकल शाफ्ट टू ब्लेड्स एंड फोर ब्लेड पैडल आर कॉमन. ये सिंपल पैडल है और ये एंकर इंपेलर. समटाइम्स द ब्लेड्स आर पिच मोर ऑब्टेन देयर वर्टिकल पैडल्स टर्न एट अ स्लो एंड मॉडरेट स्पीड इन द सेंटर ऑफ द वेसल द पुश द पिच रेडियली एंड द टेंजिटियल विद ऑलमोस्ट नो वर्टिकल मोशन एट द इंपेलर अनलेस द ब्लेड्स आर पिच द करंट्स दे जनरेट ट्रेवल आउटवर्ड टू द वेसल वॉल एंड देन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. In a deep tank, several pedals are mounted one above the other on the same shaft. In some designs, the blades conform to the shape of the dished or hemispherical vessel so that they scrape the surface on the pass over it with close clearance. The pedal of this kind is known as an anchor agitator. Anchors are useful for preventing deposit the heat transfer surfaces as the jacket process vessel, but they are poor mixers. These poor mixers, as they nearly always operate in conjugation with a higher speed pedal or other agitator, usually turning in the opposite direction. Industrial pedals agitators turn at speed between the 20 and 150 revolution per minute. The total length of the pedal impellers is typically 50-80% of the inside diameter of the vessel. The width of the blades is the 1/6 to the 1/10 is length. At very slow speed, the pedal gives mild agitation in the unbaffled vessel. The higher speed baffles become necessary. Otherwise, the liquid is swirled around the vessel at high speed, but with little mixing. अबे turbines तो आपको पता ही है. turbines मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों. आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपके mind में भी ज़्यादा focus सिर्फ जितना मैं पढ़ाता उतने पे होना चाहिए. अगर मैं over पढ़ाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा और फिर आप मेरे को कमेंट करेंगे कि कुछ समझा नहीं सर. तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर. और हमारे वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं हमारे चैनल पे. तो चलिए फिर मिलते हैं.